किसी के ऊपर बेवजह तलवार से हमला करना जायज नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया है तो कोई वीडियो क्लिप तो आपके पास होना चाहिए ना। मारपीट अगर आप हुआ, किसी निर्दोष से जाके सवाल पूछेंगे कि हम पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है, नहीं, अगर कोई ये चीजें नहीं पूछा था मैंने। मैं देश में एक अच्छा मैसेज देने के लिए मैंने पूछा था कि कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता है, आप लोग बताइए कि आप लोगों को हम लोग इज्जत देते हैं कि नहीं। तो उन लोगों ने बोला हाँ इज्जत देते हैं। लोग क्या होता है, भारत के नागरिक है, उनका अधिकार है इज्जत, उनको भीख में थोड़ी मिल रही है इज्जत। बिहार पे वापस आ जाते हैं। बिहार में नेहा राठौर का नाम सुना होगा आपने। नेहा राठौर कौन सी नेहा राठौर? जो गाने गाती हैं, कैसा लोक गीत गाती हैं, और ऐसे लोक गीत गाती हैं कि सरकार को पसीने छूट जाते हैं। सरकार के पसीने छूट जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक आंख बंद करके जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का गुणगान करती हैं। कभी केरला वो पे सरकार पर मैडम जी कभी केरला पे तो उन्होंने एक भी गाना नहीं गाया। अरे बिहार बंगाल की बेटी पे तो कभी है। कभी बंगाल बिहार की बेटी तो यूपी में क्या गाना शुरू कर दी। बंगाल पे बिहार के बगल में बंगाल है, उस पे एक भी गाना नहीं गाया उन्होंने। बिहार के बगल में झारखंड है, हेमंत सोरेन ने पूरा झारखंड के बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खनिज संपदा को लूट लिया, उसपे कभी गाना नहीं गाया। और बिहार में जब तेजस्वी जी की सरकार थी उसपे कभी गाना नहीं गाया। सिर्फ और सिर्फ उनको दिखता है योगी जी और मोदी जी। वो तो करती है रोजगार की बात, जो तेजस्वी जी ने रोजगार का प्रॉमिस किया था उस पर बात करती है वो अपने लोकगीतों में, पूछती है सवाल। वो नहीं सुने आपने? मैंने तो नहीं सुना कभी भी कि विपक्ष से सवाल पूछते हुए। तब आप यूट्यूबर थे ना? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए चारा घोटाला पे कविता गाई है उन्होंने। चारा घोटाला तक कविता नहीं सुनी उसकी? देखिए उस समय वो मुझे भी पसंद थी जब सबसे सवाल पूछती थी, लेकिन वो जब अब नहीं पसंद होगी। लेकिन जब वो यूनिट डायरेक्शन चले गए हैं। नहीं देखिए आप बोलती है यूपी में काबा, आप जरा सोचिए यूपी में कुछ नहीं है। आप जितना चिल्ला के बैठ के बोल रही है ना, ये उत्तर प्रदेश की धरती है नोएडा। बंगाल के कोलकाता में अगर होती ना और ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रही होती ना तो आपको स्टूडियो से उठा लिया जाता। अच्छा हमको सिखा रिया है? अच्छा मैं आपको स्टूडियो से उठा लिया जाता। आप ममता बनर्जी के संदेश खाली में जाकर रिपोर्टिंग करके दिखा लीजिए। बहुत सारे पत्रकार आप जाइए ना, उठा लिया जाएगा आपको। नहीं उठाया गया क्या? रिपब्लिक भारत के पत्रकार को नहीं उठाया गया क्या? कितने सारे पत्रकारों को नहीं उठाया गया क्या? केरला में चलिए आप मेरे मुखातिब होकर बात मत करिए। मैं वहां भी जाऊंगी तो सवाल करूंगी। जाइए तो सही, जाइए। गजब बेइज्जती है ये तो सही। आप मेरे साथ एक बार केरला में चल के केरला की स्टोरी को दिखा के दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ आजादी जो है भारतीय जनता।